गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, आप सभी ने लेमन वाटर जरूर पिया होगा और आप सभी को बहुत अच्छा भी लगता होगा। लेमन वाटर के हेल्थ बेनिफिट से आप सभी परिचित हैं। भरी समर्स में लेमन वाटर पीना शरीर और मन दोनों को स्फूर्ति और ताजगी देता है। ये शरीर की सफाई करने के काम भी आता है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि लेमन वाटर आपके प्लांट्स की हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि लेमन वाटर आपके प्लांट्स के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। जब भी हमारे घर में लेमन के छिलके बच जाए या लेमन खराब हो जाए तो आप उनको फेंकिए मत। आप उनको एक पानी भरे बर्तन में 5 से 6 दिन के लिए रखकर छोड़ दीजिए। जब कुछ छिलके इकट्ठे हो जाए या फिर खराब जो लेमन होते हैं, आप उनको थोड़ा सा पीस लीजिए, काट लीजिए और एक पानी भरे बर्तन में आप उन्हें 5 से 6 दिन के लिए ढककर छोड़ दीजिए। जब वो फर्मेंटेट हो जाए तो आपका लेमन वाटर आपके प्लांट के लिए बनकर तैयार है। दोस्तों, लेमन वाटर में फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन तीनों की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। जब आप लेमन सीट्रस पील से कंपोस्ट बनाते हैं वो तो आपके प्लांट को बेनिफिट पहुंचाती है, लेकिन ये लेमन वाटर आप बनाते हैं उसे आप अपने प्लांट की सॉइल में डालिए। जो एसिड लविंग प्लांट होते हैं, जो हैवी फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि गुड़ैल हुआ, गुलाब हुआ। गुलाब किसको पसंद नहीं होता, गुड़ैल भी सभी का प्रिय प्लांट होता है। जितने भी एसिड लविंग फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें आप इस लेमन वाटर को डालिए। आपकी सॉइल एसिडिक होगी, आपको किसी तरह का केमिकल यूज करने की अपने प्लांट में जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक नेचुरल और ऑर्गेनिक वे है जो आपके प्लांट को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। दूसरा दोस्तों, आप इस लेमन वाटर को छानकर अपने प्लांट पर फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे प्लांट के पत्तों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तीसरा दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर हमारे प्लांट्स पर कोई पेस्ट वगैरह अटैक करते हैं तो आप इसका फोलियर स्प्रे करिए। इसकी स्मेल से वो दूर भाग जाएंगे, वो इसके आपके प्लांट्स को ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी स्मेल तीक्ष्ण होती है, एक अच्छी सी स्मेल होती है, जिससे कि प्लांट्स के करीब पेस्ट का बहुत कम अटैक होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत पाई जाती है, ये पेस्ट को आपके प्लांट से दूर रखता है। अमूमन आप अपने प्लांट्स में देखते हैं कि चींटियां हो जाती हैं, चींटियां घर बना लेती हैं, तो इससे बचने के लिए भी ये सबसे अच्छा फोलियर स्प्रे माना जाता है। जब आप अपने प्लांट पर फोलियर स्प्रे करते हैं तो पेस्ट दूर रहते हैं, और जब पेस्ट दूर रहते हैं तो चींटियां भी हमारे प्लांट पर कम आती हैं। अगर आपके सॉइल में चींटियां हो गई हैं तो आप इसके छिलकों में को सुखाकर उसका पाउडर बनाइए और अपनी मिट्टी में एक एक चम्मच मिला दीजिए। आप कुछ समय बाद देखेंगे कि इसकी स्मेल से सारी चींटियां, पेस्ट, कीड़े मकौड़े, जो भी आपकी मिट्टी को हार्म पहुंचाएंगे वो सब दूर हो जाएंगे। और लेमन वाटर भी आप डाल सकते हैं। लेमन वाटर आपके मिट्टी की एसिडिटी तो बढ़ाएगा ही, वो भी उससे चींटियों को दूर करने के लिए काम में आता है। लेकिन अगर आप डेली लेमन वाटर नहीं बनाना चाहते या नहीं बना सकते तो आप इसका पाउडर बनाकर रख सकते हैं, जो कि आपके प्लांट के ग्रोथ को बहुत ही अच्छा करेगा। दूसरा दोस्तों, इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि आप अगर इसके कुछ छिलके अपने प्लांट्स में रखकर छोड़ दें या अपने गार्डन में रखें तो ये बटरफ्लाइज या फिर ऐसे इंसेक्ट्स, बीज वगैरह को अपने अट्रैक्ट करता है, जो कि पॉलिनेशन के काम में आते हैं। पॉलिनेशन से हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, फ्लावरिंग अच्छे से होती है, फ्रूटिंग अच्छे से होती है। तो इसकी स्मेल से कुछ ऐसे इंसेक्ट जो जिन्हें इनकी स्मेल पसंद होती है वो भी आपके गार्डन में अट्रैक्ट होते हैं। तो आप इसके छिलकों को ऐसे ही भी अपनी मिट्टी में सुखाकर रख सकते हैं, तो आप कुछ ही टाइम में देखेंगे कि इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको अपने गार्डन में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, लेमन वाटर जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, वो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने प्लांट की सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए कभी फिटकरी का यूज़ करते हैं, कभी चाय पत्ती का यूज़ करते हैं, कभी कुछ यूज़ करते हैं। चाय पत्ती से ज़्यादातर फंगस लगने की समस्या रहती है कई बार, लेकिन इससे किसी तरह की फंगस लगने की समस्या भी नहीं होती है। ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक वे है जो कई तरह की समस्याओं से आपको निजात दिलाता है। तो दोस्तों, है ना ये बेनिफिट वाली चीज़, पिलाइए अपने प्लांट को लेमन वाटर, हेल्दी बनाइए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों।